नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बजट को लेकर। आज उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार का फोकस 4S पर है, जिसमें स्वास्थ्य, स्वावलंबी, सुरंग और सुरक्षित उत्तराखंड शामिल है। सीएम ने दावा किया कि समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही। गुरुवार को गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान उत्तराखंड का बजट 2021-22 पेश करने के बाद आज मीडिया से बातचीत में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि गैरसैंण को नई राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा और राज्य के बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि गैरसैंण राजधानी के क्षेत्र में विकास के लिए सरकार ने पूरा खाका तैयार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री घिसियारी कल्याण योजना से समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, भले तत्काल इसका असर ना दिखे, इसके लिए सरकार को तमाम व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। सेंटर 10 बेड का सिंधी तथा गैरसैंण में सिंचाई एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने बजट पर अपनी राय दी है। क्या कुछ कहा है वो भी सुनवाते हैं। राज्य का कुल बजट जो है 57,400 करोड़ का है, जिसमें सिंचाई विभाग का बजट का जो प्रावधान है वो 11,155 करोड़ का है और इसमें पर्यटन का जो है 236 करोड़ का जो है प्रावधान है। ये विकास का बजट है और हमारा ये सिद्धांत रहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो कहा था कि जब तक अंतिम पायदान के व्यक्ति तक विकास ना पहुँचे तब तक सही मायने में विकास विकास नहीं है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए अंतिम पायदान सुदूर क्षेत्रों में विकास की किरण को, निर्माण की किरण को पहुँचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया है और ये बजट निश्चित रूप में हमारे उत्तराखंड का विकास करेगा। विधानसभा सत्र के दौरान पांचवें दिन गन्ना मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर कांग्रेस विधायकों ने परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन किया और धरना दिया। इस दौरान विधायक प्रीतम सिंह, करण मेहरा, काजी निजामुद्दीन, ममता राकेश, आदेश चौहान समेत अन्य विधायक मौजूद रहे। कांग्रेस विधायक का कहना है कि डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार के ने गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया है। इन दोनों धर्मनगरी हरिद्वार महाकुंभ के रंग में रंगी हुई है। तमाम अखाड़ों की पेशवाई का दौर जारी है। पिछले दो दिनों से शहर भर में संत महात्मा ही नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को आनंद अखाड़े की पेशवाई निकाली गई, जिसमें तमाम साधु संत मौजूद रहे। शहर भर में पेशवाई के दौरान अखाड़े अपने इष्ट देवता को अपने अखाड़ों में स्थापित करेंगे और कुंभ तक अपने इष्ट देवता और भगवान शिव का ध्यान करेंगे। पेशवाई में नागा बाबा समेत तमाम साधु संत आकर्षण का केंद्र है। ढोल नगाड़े और बैंड बाजों के साथ इष्ट देवता को नगर भ्रमण कराकर अखाड़ों में ले जाने की परंपरा है जो की जा रही है। आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किए जाने के मामले को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में कांग्रेस सेवादल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजेश रस्तोगी ने कहा है कि भाजपा के जो विधायक मेयर महिलाओं से बदसलूकी करते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जो समस्याओं को लेकर आवाज उठाते हैं उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। रस्तोगी ने लाठी चार्ज करने के आदेश देने वाले को जेल भेजने की मांग की है। जाने का मामला सियासी गलियारों में खूब सुर्खियां बटोर रहा है। कांग्रेस सवाल उठा रही है, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी, उनसे बात करेंगे। रस्तोगी जी, लाठी चार्ज को लेकर के कौन खोला मचा रही है जबकि सरकार ने स्थिति जांच के आदेश दिए, क्यों? सरकार बहुत बेईमान है। जो भाजपा के विधायक बलात्कार कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। जो भाजपा के मेयर बलात्कार कर रहे हैं, महिलाओं से छेड़खानी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। और जब जनता कांग्रेस के लोगों के साथ मिलके विकास की बात करती है, सड़क बनाने की बात करती है, बसें चलाने की बात करती है तो मुकदमा दर्ज करती है सरकार।
तो ये तो बलात्कारियों की और छेड़खानी करने वालों की सरकार है, उन्हें बचा रही है। और जो विकास के लिए, लोगों की तरक्की के लिए निर्माण की बात कर रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज भी हो रहा है, मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं, जेल भी भेजा जा रहा है। तो इस सड़क का तो बेड़ा गर्क होने वाला है भाई साहब। इस सरकार को जो आप जिस तरह इनका आरोप लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री इसमें बयान दे चुके हैं, उनके कई नेताओं के बयान आए हैं कि जिन लोगों ने इसमें अगर इसकी चूक है यानी जो इसमें पाया जाएगा दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, फिर भी क्यों हल्ला मचा रहे हैं? लक्सर के विधायक संजय गुप्ता बता चुके हैं, मुख्यमंत्री भांग का गोला खाता है, नशे में मस्त रहता है, अगले को तो पता ही नहीं है क्या मजिस्ट्रेट जाँच है, क्या कार्रवाई है। अरे जिन पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया है, किसके आदेश से किया है? आदेश देने वाले को अंदर करो, पहाड़ के लोगों पे लाठी बजाने वालों को बंद करो, और माफी मांगनी चाहिए सरकार को। अगर ऐसा नहीं करती है सरकार तो प्रीतम सिंह के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में और बड़ा आंदोलन किया जाएगा सरकार के खिलाफ। चलिए, तो राजेश रस्तोगी कह रहे हैं कि यदि लाठी चार्ज करने वालों को आदेश देने वाले यानी जो उनके पीछे जिनके हाथ हैं वो सलाखों के पीछे नहीं जाते हैं तो कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी, सड़क से संसद तक आंदोलन किया जाएगा, इनका दावा है। जसवीर सिंह, जनतंत्र टीवी, लक्सर। हरिद्वार में कल रात ज्वालापुर के ट्रेवल्स व्यवसायी की कार रानीपुर झाल के पास दीवार को तोड़ते हुए गंग नहर में जा गिरी। इस हादसे में ट्रेवल्स व्यवसायी की पत्नी, बेटे और बेटी की और चालक की मौत हो गई। चारों लोगों के शव घटनास्थल से करीब 150 मीटर दूर कार के अंदर बरामद हुए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के बाबर कॉलोनी के रहने वाले गुलफाम का ट्रेवल्स का कारोबार है। बताया जा रहा है कि बृहस्पतिवार को वो परिवार के साथ इबादत करने पिरान कलियर दरगाह गए थे। इबादत के दौरान वो गंग नहर पटरी से लौट रहे थे। रात करीब 8:30 बजे जैसे ही उनकी कार रानीपुर झाल के पास पहुंची, सामने से कई वाहन आ रहे थे। वाहन से बचाने के चक्कर में उनकी कार अनियंत्रित होकर दीवार को तोड़ते हुए गंग नहर में जा गिरी, जिसके बाद पूरे परिवार की मौत हो गई। पौड़ी में अनुसूचित जाति के युवा प्रकोष्ठ के सदस्यों ने एसएसपी पौड़ी को ज्ञापन सौंपा। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर की जा रही अभद्र टिप्पणी को लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया है। दरअसल पैठड़ी फेसबुक पेज पर किसी ने अनुसूचित जनजाति के लिए कोई गलत टिप्पणी की थी, जिसे लेकर यह कार्रवाई की गई है। इस बात को लेकर प्रतिनिधिमंडल ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपा है, जिस पर एसएसपी पी रेणुका देवी ने थाना अध्यक्ष पौड़ी को कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दिनांक 26 तारीख को पैठाणी फेसबुक पेज पर एक टिप्पणी डाली गई थी, जिसपे कुछ तथाकथित समाज के लोगों ने बहुजन समाज के लोगों के ऊपर आघात किया है और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है। इसी प्रकरण पे हमारी पूरी उत्तराखंड युवा प्रकोष्ठ की टीम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से जी से अनुरोध किया है कि इन प्रकार के लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए, जिससे कि आने वाले समाज को एक संदेश मिल सके कि स्वतंत्र भारत में इस प्रकार की गतिविधियाँ सहनीय नहीं हैं और हम पूरा समाज इसी सभी बातों को नज़रअंदाज करता है कि आज भी जाति, जो हम कहते हैं कि जाति का भेदभाव नहीं है, पर इन सभी बिंदुओं से ये पता चलता है कि अभी भी इस हमारे देश में जाति का भेदभाव बना हुआ है। द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था, मिलने के लिए आया था, उनकी कोई भी फेसबुक पेज पे ये पैठाणी फेसबुक कोई बता रहे थे, सो उसमें कोई भी जाति शब्द का कोई भी उन्होंने यूज़ किया है करके, सो उसमें मैंने इंस्पेक्टर पौड़ी को निर्देशित किया गया है, तुरंत ही उसमें आप लोग उसमें FIR दर्ज करने के लिए। चमोली में पूर्व सीएम हरीश रावत नंदप्रयाग घाट पहुंचे, जहां स्थानीय लोग पिछले करीब 90 दिनों से सड़क चौड़ीकरण के लिए आंदोलन कर रहे हैं। यहां उन्होंने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि दिवाली खाल में सरकार के इशारों पर पुलिस के द्वारा आंदोलनकारियों पर और महिलाओं पर लाठीचार्ज करना दुर्भाग्यपूर्ण और सरकार की विफलता का प्रमाण है। मुख्यमंत्री की घोषणा का सम्मान नहीं करेंगे तो यहाँ की जनता से माफ़ी मांग लो, और आप तो आपको माफ़ी हर हालत में मांगनी है, सड़क भी बनानी पड़ेगी और माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। यहाँ की यदि आपने लाठी महिलाओं को मार्च करके बहुत बड़ा अपराध किया, दिल्ली के ऊपर लाठी चला करके बहुत बड़ा अपराध किया। आप अकेले घाट के अपराधी नहीं हैं, बल्कि आप सारे उत्तराखंडी के यहाँ क्यों नहीं आ जाते? यहाँ पर एक लिख करके आदेश पत्र भेज दो
और अब तो आदेश पत्र से काम चलने वाला नहीं है, अब तो माफीनामा भी चाहिए, राशि चाहिए, और ये नहीं माफी मांगेंगे। जो सरकार इसके बाद आएगी वो सरकार यहाँ आएगी, आदेश करेगी और सड़क भी बनाएगी और इनके कर्म के लिए माफी भी मांगेगी। हमारे घोषणा पत्र का ये हिस्सा होगा कि ऐसा कोई नियम ब्लॉक तहसील और महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ने के लिए लागू नहीं होगा जिसमें भाइयों की संख्या। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।